हनुमानगढ़ जिले के स्थापना दिवस को कपिल वस्तु महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। साल के आखिरी दिन कपिल वस्तु महोत्सव के समापन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे। कपिल वस्तु महोत्सव पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार रोड मार्ग से मुख्यमंत्री ने लंबी यात्रा की। जिले के स्थापना दिवस पर आयोजित किए जाने वाले कपिल वस्तु महोत्सव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से ये महोत्सव यादगार बन गया। पहले ये महोत्सव 3 दिन के लिए आयोजित होता था, लेकिन इस वर्ष बीते रात 7 दिन के लिए बड़े स्तर पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर के निर्धारित समय पर खराब मौसम की वजह से न पहुंचकर शाम को सड़क मार्ग से सीधे महोत्सव स्थल पहुंचे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिरकत के बाद महोत्सव में प्रतिभाग कर प्रथम स्थान पाने वाले छात्रों को मेडल देकर पुरस्कृत किया। साथ ही जिले के विकास के लिए 66 करोड़ की 8 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। बात करें इन परियोजनाओं की तो 4 परियोजनाएं भारत सरकार के स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत कपिल वस्तु में सोलर लाइटिंग, पेयजल, हेलीपैड और आधुनिक टॉयलेट आदि है। वहीं 2 परियोजनाएं सड़क चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण को लेकर है। इसके साथ ही जिले में 2 राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना की 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिद्धार्थनगर जिले के काला नमक चावल को उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में एक नया मंच देगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन के मंच के माध्यम से काला नमक में जिले का स्थान दिया जाएगा। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बंद होने की अटकलों पर विराम लगाते हुए योगी ने कहा कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय बंद नहीं होगा, बल्कि इसको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित करेंगे और बौद्धिस्टिक स्टडी व भारतीय संस्कृति के शोध के लिए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाएंगे। जनपद के विकास को लेकर उन्होंने कहा कि 100 बेड के जिला चिकित्सालय को 350 बेड का करने का जल्द ही मेडिकल कॉलेज खोलने और यहां रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए फैक्ट्री लगाने की बात कही गई। इस जनपद की पहचान है काला नमक चावल। काला नमक चावल को एक नया मंच देने जा रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई व्यवस्था देने जा रहे हैं, उसमें सिद्धार्थनगर जनपद से काला नमक चावल को भी हम लोग लेने जा रहे हैं। और दूसरा, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय मुझे लगता है कि जो लोग कह रहे हैं बंद होगा, यह किसी की कल्पना हो सकती है, लेकिन यह एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में हम उसको डेवलप करने जा रहे हैं और बहुत अच्छे उसके रूप में हम उसको स्थापित इसलिए करने जा रहे हैं कि बुद्धिस्ट स्टडी का या भारतीय भाषाओं के अध्ययन का, इसमें संस्कृत है, पाली है, भोजपुरी है, इन सब के साथ साथ बुद्धिस्ट स्टडी का, जैनिज्म का है, हिंदुज्म का है, सिखिज्म का है, इन सभी के अध्ययन और शोध का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में यह विश्वविद्यालय स्थापित है। इसके लिए अधिकारियों की टीम वहां विजिट की है, क्योंकि भगवान बुद्ध की जन्मस्थली और उसके आसपास जुड़ी भी जुड़ा हुआ विश्वविद्यालय दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, इसलिए उस पर कार्य करने के लिए वो टीम वहां पर विजिट की है और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस कार्य पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी डॉक्टर दिए हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विशेषज्ञ डॉक्टर्स की 56 डॉक्टरों की तैनाती आपके इस जनपद को ही है और इस जनपद में या प्रदेश के किसी भी जनपद में शासन की कल्याणकारी योजनाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, उत्तम शिक्षा प्रदेश के हर नागरिक को देंगे, सुरक्षा प्रदेश के हर नागरिक को देंगे, हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं, धन्यवाद।